हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्निग्धा बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका स्निक कुक्स अमेजिंग रेसिपीज चैनल में। आज हम सबका ऑल टाइम फेवरेट गाजर का हलवा बनाएंगे। वैसे तो गाजर का हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है, 1 घंटे से ऊपर का टाइम लग जाता है, लेकिन आज हम मिनटों में गाजर का हलवा बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप किए बिना। और वैसे तो गाजर सर्दियों की सब्जी है, लेकिन आजकल हर टाइम गाजर मिलता है, हर सीजन में गाजर उपलब्ध रहता है, इसीलिए आप कभी भी गाजर का हलवा बना सकते हैं। और एकदम मिनटों में बनाने का बहुत आसान तरीका मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ सभी सोशल मीडिया में शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को इस तरह से बना सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने 1 किलो गाजर ले लिया है, इसे हम अच्छे से धोकर छील लेंगे और उसके बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे, यानी कि ग्रेट कर लेंगे। हम इसे फूड प्रोसेसर में कद्दूकस करेंगे। हमने गाजर को फूड प्रोसेसर में ग्रेट कर लिया है। इलेक्ट्रिक कुकर को कुकिंग मोड में ऑन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक कुकर बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक कुकर गर्म हो जाए, आप उसमें 2 टेबलस्पून घी डाल दीजिए। कुकर में 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा ब्राउन कर दीजिए। काजू और किशमिश को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर को हमने पहले से कद्दूकस करके रखा है। हमने फूड प्रोसेसर में गाजर को कद्दूकस किया है। हम गाजर को 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर इलेक्ट्रिक कुकर में कुकिंग मोड में पका लेंगे। उसके बाद हम उसमें चीनी डाल देंगे। 5 मिनट हो गया है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। 1 कटोरी चीनी डाल दीजिए, यानी कि 100 ग्राम डाल के आप गाजर को हिला लीजिए। 1 किलो गाजर में 100 ग्राम चीनी लगेगा। चीनी और गाजर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। वैसे इतना चीनी काफ़ी होता है। अब हम इसे ढक्कन लगा के पका लेंगे, जब तक कि कुकर अपने आप कीप फॉर्म मोड में नहीं आ जाता। इलेक्ट्रिक कुकर कीप फॉर्म में चला गया है। ये देखिए गाजर कितना बढ़िया पक गया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। वाओ, अब हम इसमें खोआ डाल देंगे। 100 ग्राम के करीब खोआ डाल दीजिए। अब हम इसमें 100 ग्राम खोआ डालकर मिक्स कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप ज्यादा खोआ भी डाल सकते हैं, जितना ज्यादा खोआ डालेंगे उतना बेहतरीन टेस्ट आएगा। गाजर का हलवा कढ़ाई में या कुकर में बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटे से ऊपर का टाइम लग जाता है, और हमें गाजर को लगातार चलाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप गाजर का हलवा इलेक्ट्रिक कुकर में खोया के साथ बनाते हैं तो बहुत जल्दी, बहुत टेस्टी, एकदम बेहतरीन गाजर का हलवा मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। इसीलिए इस तरीके से गाजर का हलवा ज़रूर बनाएं। बहुत ही जल्दी और बहुत आसान तरीका है, मिनटों में आप गाजर का हलवा बना सकते हैं और बार बार आप गाजर का हलवा बना सकते हैं। गाजर तो आजकल हर सीजन में उपलब्ध रहता है, कभी भी बनाएं, कभी भी खाएं, मिनटों में एकदम फटाफट आप इसे बना सकते हैं। और स्वाद तो माय गॉड इतना टेस्टी बनता है, ज़रूर आप इसे ट्राई करके देखिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपका गाजर का हलवा कैसा बना। हम इलेक्ट्रिक कुकर का ढक्कन लगाकर गाजर के हलवे को 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। इलेक्ट्रिक कुकर में गाजर का हलवा बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व कर देंगे। गाजर का हलवा बनके तैयार है, इसे हमने सर्व कर दिया है। ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा,
ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।